अजमेर रसद विभाग के साथ ही डीएसटी की टीम ने अवैध रूप से की जा रही रिफिलिंग पर संयुक्त कार्यवाही करते हुए 20,000 लीटर से भरे एलपीजी भारत गैस टैंकर को जब्त करने के साथ ही 74 सिलेंडर भी सीज किए हैं, जिसे लेकर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। अजमेर के मांगली आवास हाईवे पर ढाबो की आड़ में यह अवैध रिफिलिंग का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। यह सभी सिलेंडर अवैध रिफिलिंग कर विभिन्न रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य स्थानों पर सप्लाई किए जा रहे थे, जिसे लेकर जांच की जा रही है। अजमेर डीएसओ विनय कुमार शर्मा ने बताया कि विगत 28 नवंबर को अजमेर एसपी चूनाराम को अवैध रिफिलिंग की सूचना मिली थी, जिसके बाद रसद विभाग और डीएसटी टीम का संयुक्त गठन कर जांच शुरू की गई। टीम को सूचना मिली कि मांगली आवास क्षेत्र में नरेंद्र जैन और उनका बेटा अनूप जैन भारत गैस व अन्य टैंकर के माध्यम से अवैध गैस की रिफिलिंग करते हुए एलपीजी सिलेंडर में भरते हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां ढाबे की आड़ में यह गोरख धंधा चलाया जा रहा था, जो कि काफी खतरनाक साबित हो सकता था और इसमें कई लोगों की जान भी जा सकती थी। रसद विभाग की टीम और डीएसटी टीम ने मौके पर 20,000 लीटर एलपीजी गैस टैंक को पकड़ने के साथ ही यहां मौजूद 74 गैस सिलेंडर भी सीज किए हैं, जिसमें यह रिफिलिंग का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। इन सभी सिलेंडर स्कोर होटल, ढाबों और अन्य स्थानों पर सप्लाई देने की बात सामने आ रही है। रसद विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज करवाकर इस मामले में कानूनी कार्यवाही की जा रही है। देर रात हुई इस कार्यवाही के दौरान एलपीजी टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। नरेंद्र जैन और उनके बेटे को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही इस मामले में अन्य लोगों को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है और यह गोरख धंधा कब से चलाया जा रहा था, इसे लेकर भी पूछताछ की जाएगी। वहीं इसमें कौन कौन शामिल है, इसे लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। बाइट विनय कुमार, डीएसओ अजमेर। एलपीजी के जो बड़े सिलेंडर गैस टैंकर्स होते हैं, उनमें से अवैध रूप से सिलेंडर की रिफिलिंग करने की सूचना मिली थी। तो इस संबंध में करीब 28 तारीख को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा एक जांच दल का गठन किया गया था। उसमें एसपी साहब की तरफ से डीएसटी टीम भी हमको दी गई, उसके सहयोग से आज हमने कार्रवाई की है। मांगली आवास के आसपास जो होटल सहयोग है, वहाँ पर बड़े टैंकर से सीधी रिफिलिंग कर रहे थे सिलेंडर्स में। कितना घाता सूखता है अपन सोच सकते हैं इस बात को। तो आज जैसे ही सूचना मिली, हमने मौके पर कार्रवाई की, तो करीब 74 सिलेंडर सीज किए हैं और बड़ा टैंकर जब्त किया है। अब बाकी अगली कार्रवाई जारी है। हाँ, अभी दो जने पुलिस कस्टडी में दे रखे हैं, FIR दर्ज करा के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये सिलेंडर किसके थे और कहाँ सप्लाई होने थे? नरेंद्र जैन करके है कोई आदमी, एक रोड का लड़का अनुज जैन, जो मांगली आवास के रहने वाले हैं। ये लोग इस तरह से अवैध रिफिलिंग कराते थे टैंकर से। क्या करते थे? जैसा ये बता रहे थे कि अजमेर की होटलों में इस तरह से अवैध रूप से सप्लाई करते थे, जबकि कायदे से एजेंसी से लेना चाहिए, वापस रिफिल वहाँ देना चाहिए। टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। अच्छा, कितना गैस था इसमें टैंक? करीब 20,000 लीटर होना चाहिए। क्या कार्रवाई? पुलिस मुकदमा दर्ज करा दिया, EC1 में मुकदमा दर्ज कराएंगे, अग्रिम कार्रवाई कलेक्टर साहब को पेश कर देंगे।